Another interesting example about switch statements. Read this example. Write a C program to check whether an alphabet is vowel or consonants. इस अल्फाबेट्स के रिस्पेक्ट में टोटल टू पॉसिबल केस होंगे, या तो कोई भी अल्फाबेट वोवेल्स की कैटेगरी में हो या फिर कंसोनेंट, बिकॉज अल्फाबेट्स मे बी डिवाइड इन टू टू पार्ट्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वोवेल और इन द फॉर्म ऑफ कंसोनेंट. अल्फाबेट्स के केस में टोटल पॉसिबल केस कितने, टू पॉसिबल केस. बोथ केसेस आर अवेलेबल इन अपर केस एज वेल एज लोअर केस अल्फाबेट्स लाइक दैट. फाइनली इसके इसमें रन टाइम पर कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर एंटर करना है, सबसे पहले वेरीफाई क्या करना पड़ेगा, मीन जो भी सिंबल अवेलेबल है, एंटरिंग सम कैरेक्टर और मे बी सम सिंबल्स. कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस क्या होंगे, कैरेक्टर्स मे बी अल्फाबेट और मे बी अदर स्पेशल सिंबल और मे बी डिजिट्स लाइक दैट. तो सबसे पहले इसके साथ फर्स्ट कंडीशन किसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, व्हाट इज द स्टेप फॉर क्रिएटिंग एबो एप्लीकेशन. फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन. इसके इसमें ओनली सिंगल वेरिएबल्स यूज करेंगे. इसके जस्ट बाद वेरिएबल्स के लिए कीबोर्ड से डेटा रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स और एज अ सिंगल कैरेक्टर यूजिंग स्कैनर फंक्शन. कैरेक्टर रीड करने के जस्ट बाद नेक्स्ट थिंग्स क्या यूज करेंगे इसके इसमें, अप्लाइंग कंडीशन और इफ कंडीशन फॉर चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट. अगर गिवन कैरेक्टर अल्फाबेट है देन ओनली प्रोसीड करने की नीड है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट. सपोज दैट अगर कैरेक्टर कोई स्पेशल सिंबल है देन इसके इसमें डिस्प्ले क्या करा लेंगे, मीन्स दिस वन इफ दिस वन इज एल्स ब्लॉक. एल्स के केस में क्या होगा, सम अदर सिंबल मीन्स सम इनवैलिड अल्फाबेट लाइक दैट. इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में इस केस में मैंने कोई प्री रिटन कोड पढ़ नहीं किया, इस केस में लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना है. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल Providing variable declarations. How many variables are required to solve above problem? Only one variable is required, character type something CH as character. Next one, reading inputs. Ports, enter n alphabets. Enter n alphabets. Alphabets may be in upper case or may be in lower case. Next one, characters को scanf के through भी read कराना possible. Other possible case के बाद using something other console function like a get c or get char functions. इस अगर single character read करना इस case में best approach use करेंगे जब get char function और may be scanf functions. Next one, applying switch case. Switch CH. First of all, before applying switch case और switch case apply करने से just पहले check करना पड़ेगा आपको given character alphabet है कि नहीं. Check the given character is alphabet or not. If not alphabet or if alphabet, अगर alphabet है then proceed करने की need होगी, otherwise invalid alphabet else block. Then इस केस में स्विच केस प्रोवाइड करेंगे इनसाइड इफ. तो सबसे पहले कंडीशन टेस्ट करेंगे, चेक द गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट. और कोई भी कैरेक्टर अल्फाबेट है देन इसका आस्क वैल्यू क्या हुआ, बिटवीन स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और बिटवीन कैपिटल ए टू कैपिटल जेड. मीन दिस इज द मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज. फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, लोअर केस के रिस्पेक्ट में सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू ASCII value of small a and CH less than equals to ASCII value of small z. Then OR operator. This one is condition for lower case character. Next condition apply करेंगे upper case characters के लिए. Upper case के केस में condition क्या रहेगा, CH greater than equals to capital A and CH less than equals to capital Z. Like that. Next things. Again, अगर condition true then apply क्या करेंगे switch case. Simply we are applying switch case. Otherwise else block में provide करेंगे some invalid alphabet CH. और CH के case में possible case क्या है, given character is maybe vowels or consonants. What do you mean by vowels or consonant? Total number of possible vowels कितने होंगे, 5 vowels are available in upper case A, E, I,
O, U. Five vowels are available in lower case. A, E, I, O, U. इस टोटल पॉसिबल केस कितने 10 केसेस इन सभी 10 केस के केस में डिस्प्ले क्या कराना है मैसेज एज वोवेल अदरवाइज कंसोनेंट्स देन टोटल 10 केस प्रोवाइड करेंगे सभी केस में एग्जैक्टली सेम मैसेज डिस्प्ले कराना है इसलिए यूज करेंगे लाइक अ केस फर्स्ट अपर केस के रिगार्डिंग में केस ए देन अगर सी एच का वैल्यू या तो केस ए के बराबर है या फिर और सी एच इज इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल E और CH equal equals to capital I और CH equal equals to capital O और CH is equal equals to capital U 5 केस सेम है 5 केस अप्लाई करें फॉर लोअर केस के केस में अगेन कितने केस रिक्वायर्ड हैं देयर आर 5 केसेस CH equal equals to small a case CH equal equals to small e case CH equal equals to small I then case CH equal equals to O or small o same as case CH equal equals to small u. Finally, अगर इस केस में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो अगर CH के वैल्यू किसी भी लेवल से मैच होता देन रिमेनिंग सारे केस कब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट फॉर्म नहीं हो रहा इस केस मैंने कहीं ब्रेक पॉइंट नहीं किया इसका सिंपली अगर मीनिंग देखा जाए दिस कंप्लीट ब्लॉक इज इक्विवेलेंट टू लाइक दैट इट इज इक्विवेलेंट टू इफ CH इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल A और मींस अगर सी एच का वैल्यू फर्स्ट केस के लेवल से मैच नहीं होता तो मैच केस होगा सेकेंड लेवल क्या और सी एच इक्वल इक्वल्स टू कैपिटल ई एंड सो ऑन इस टाइप से टोटल कितने कंपेरिजन होंगे 10 कंपेरिजन अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इस केस में फाइनली डिस्प्ले करा लेंगे मैसेज एज पोर्ट्स एंटर्ड कैरेक्टर इज पोर्ट्स एंटर्ड कैरेक्टर इज vowel डिस्प्ले क्या कराएं इसके इसमें मैसेज है vowel नेक्स्ट वन ब्रेक स्टेटमेंट इसके जस्ट और प्रोवाइड क्या करें ब्रेक देन नेक्स्ट थिंग्स अदर पॉसिबल केस क्या हुआ अगर सपोज दैट सी एच का वैल्यू किसी भी लेवल से मैच नहीं हो रहा देन इस केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ डिफॉल्ट ब्लॉक देन नेक्स्ट केस इसी केस में कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट वन डिफॉल्ट डिफॉल्ट के केस में सप्लाई क्या करेंगे पोर्ट्स डिफॉल्ट मीन्स अगर एक भी केस मैच नहीं हो रहा इस केस में चांस किसको मिलेगा डिफॉल्ट ब्लॉक डिफॉल्ट के केस में इसको कंसिडर करेंगे जा कंसोनेंट मीन्स ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है कंट्रोल एफ के अंदर आ चुका है मतलब वन थिंग क्लियर है मीन्स कैरेक्टर क्या है 100% अल्फाबेट अब अल्फाबेट के केस में टू भी पॉसिबल केस होंगे आइदर वोवेल वोवेल के लिए ऑलरेडी केस प्रोवाइड कर चुका है अब चेक किस लिए करना है कंसोनेंट अगर कंट्रोल डिफॉल्ट के अंदर गया इसका मतलब कोई भी केस मैच नहीं होता सिंपली डिस्प्ले करा लें गिवन कैरेक्टर्स कंसोनेंट देन डिफॉल्ट के केस में ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करने की नीड नहीं होगी क्लोजिंग ऑफ स्विच कमेंट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया है नेक्स्ट स्विच का क्लोजिंग प्रोवाइड करने जस्ट बाद आप क्लोजिंग किसके लिए प्रोवाइड करेंगे इफ ब्लॉक दिस वन इज क्लोजिंग ऑफ इफ तो इफ के जस्ट बाद प्रोवाइड करेंगे एल्स ब्लॉक मीन्स अगर इफ कंडीशन फॉल्स है इफ कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब गिवन कैरेक्टर क्या नॉट अ अल्फाबेट देन डायरेक्टली डिस्प्ले कराएंगे पोर्ट्स एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट प्लीज एंटर वैलिड अल्फाबेट डिजिट और अल्फाबेट सिंबल्स देन क्लोजिंग ऑफ मैन फंक्शन इट इज क्लोजिंग ऑफ मैन मीन्स इस टाइप से प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हुआ मीन्स ये केस केस के सिमिलर टू मल्टीपल रिलेशनल कंडीशन विद लॉजिकल और ऑपरेटर्स मीन्स सी एच के वैल्यू 1 by 1 सारे केस से मैच होगा कब तक मैच होगा जब तक कोई भी केस मैचिंग केस फॉर्म नहीं होता है अगर एक भी केस मैच हो रहा था रिमेनिंग केस विदाउट मैचिंग डायरेक्टली चांस किसको मिलेगा ऑल स्टेटमेंट बिफोर
ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स अगर कोई भी केस मैच हुआ देन ब्रेक से पहले सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और ब्रेक के पहले जस्ट ओनली सिंगल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाए वोवेल। अगर एक भी केस मैच नहीं हो रहा देन इस केस में चांस किस को मिलेगा डिफॉल्ट लॉग इसके अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले होगा कंसोनेंट। अगर आउटर इफ कंडीशन फॉल्स है इफ के केस में चांस किस को मिलेगा डायरेक्टली एल्स ब्लॉक। अगर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा देन सिंपली डिस्प्ले होगा कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट।